नसीम का फैसला करते हुए अच्छी तरह देख लेना चाहिए। रमशा, आप सोचें कि एयरपोर्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग आगे पीछे, किसी को नहीं पता कि यहाँ पे शूट हो रही है, और रमशा दुल्हन के लिबास में प्रॉपर रेड थी और मैंने सूट पहना हुआ, मैं तो चलो फिर भी इतना ज्यादा नहीं था, रमशा प्रॉपर एक दुल्हन, पाकिस्तानी दुल्हन बनी हुई, चुटी चुटी पहनी हुई, और सब लोगों की टेंशन सिर्फ रमशा खान के ऊपर कि यार ये कौन लड़की है और इसके साथ मैं दूल्हा बन के चल रहा हूँ ऐसे अकड़ के साथ, और अजमा आप हमारे साथ, और हमारे पास हम हर जहाँ से हम जाएं सब लोग हमें ऐसे ऐसे मुड़ के देखेंगे। इतना अच्छा, और मुनीब की एक आदत है माशाल्लाह से, लाइक आई सेड ही इज वेरी पॉजिटिव एंड इज वेरी फ्रेंडली, तो अब हम वहां पर जाते हैं, वो मलेशियंस को कहते हैं उर्दू में बात कर रहे हैं, ये हम शूट, हम कैमरे लेके शूट कर रहे हैं, आपको नहीं कुछ पता मतलब मैं उनको बोला था कि यार हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं ऐसी शूट करना है अपनी शादी का, उर्दू में ना मलेशियन से, उनको समझ ही नहीं आएगा। खैर इस तरह हमने बहुत एंजॉय किया, ट्रेन में हम लोग बैठे वहाँ पे और ट्रेन में हम शूट कर रहे थे, हर स्टेशन पे लोग आते थे और हम, अच्छा अब ट्रेन में हम लोग सारा दिन थे जो वापसी हम जा नहीं सके थे वापस, ट्रेन में हम सारा दिन थे, अब एक वाहिद लड़की शलवार कमीज दुपट्टे में ट्रेन में वहां पर बैठी हुई है, और हम लोग जो यार वो क्या दिन था, हम लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं और कपड़े भी ऐसे चेंज कर रहे हैं, भागम दौड़ी हो रही क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, काम बहुत ज्यादा था। हाँ। और इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा अहमद भट्टी को जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कम टाइम में बहुत ज्यादा काम हमसे करवाया बहुत अच्छा करवाया। It's worth it though. एक मेरा सीन है जिसपे मैं रोड पे घूम रहा हूँ, भाग रहा हूँ, और मेरे साथ हमारे जो डीपी थे वो साथ साथ भाग रहे हैं और हम रोड पे घूम रहे हैं, सिग्नल का तो मैं यहाँ पे क्या होता है कि रोड क्रॉस हम कर देते हैं पता चलता है कि वहाँ पे, अब मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं एकदम हॉर्न है तो मैं एकदम यूं हूँ, मतलब ओ शिट ये तो हम रोड पे हैं। खैर इस तरह के भी बहुत छोटे छोटे मसे मसे की बात है।